एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग ठीक होंगे। मैं भी मस्त हूँ, बढ़िया हूँ। तो गाइज अभी फटाफट मैं रेडी होके आती हूँ, पहले मेरा शक्ल देख रहा हूँ कैसा हो रहा है, अभी थोड़ी देर में आती हूँ। फाइनली गाइज मैं हो चुकी हूँ रेडी एंड पूरा होल आउटफिट मैं आपको बाहर जाके दिखाऊंगी। तो गाइज आज ना मम्मी मुझसे बिल्कुल भी बोल नहीं रही आईब्रो बनाने के लिए, और आई खुद आईब्रो बनाया कितना लंबा, यहाँ देखो तो, यहाँ देखो तो मम्मी इतना लंबा क्यों बनाया आपने आईब्रो, यहाँ देखो तो सिंचन लग रहा है। क्यों नहीं बोला मुझे बनाने के लिए? और शकल गोला है, आईब्रो भी गोला बना रखा है, थोड़ा आर्च देना चाहिए था। चलो बना दे। देखा लास्ट में मैं ही काम आती हूँ। अच्छा मेरा घुंघरू से साफ कर रहे। तो गाइज अगर आपको पता नहीं है तो अलीशा बेली डांस करती है, उसी का घुंघरू है। तो गाइज मम्मी का यहाँ ना चोट है तो यहाँ बाल नहीं आता, तो हम इसको लाइटली फिलअप करेंगे। यहाँ देखो थोड़ा मम्मी ने पहले से ही थोड़ा मोटा कर दिया था, बट ठीक है, परफेक्ट है। आप यहाँ देखो तो सही है। शक्ल भी कैसा बना रखा, थोड़ा स्माइल कर लो यार। आज ना मैंने थोड़ा डिफरेंट पहना है तो बाहर जाके दिखाती हूँ। चलो बाय बाय। तो गाइज मैंने कुछ डिफरेंट पहना है, कैसी लग रही पहले बताऊंगी। अच्छा लग रही। लो पकड़ो तो, 1 2 3। कैसी लग रही हो? अच्छी लग रही। हाँ अच्छी लग रही। गाइज ये मेरा स्कर्ट देख सकते हो, आज मैं थोड़ा सा फॉरेनर बनने की कोशिश कर रही थी। मैंने ये इयररिंग्स भी पहना है ताकि ये आउटफिट के साथ मैच करे, और सिल्वर वॉच ये तो कार्तिक ने जो गिफ्ट किया था, और ब्राउन बैग, और वैसा कि मम्मी ने मम्मी को गिफ्ट किया था ये स्लीपर, बट गाइस मैंने पहन लिया क्योंकि मेरे आउटफिट पे जा रहा था ये। और यहाँ पे मम्मी का आउटफिट, आज मम्मी बड़ी सिंपल लग रही। मम्मी आज अपने लिपस्टिक लगा को, देखा बिल्कुल सूट नहीं करता मम्मी ये कलर। चलो कोई नहीं। तो अभी धन्नू निकालते हैं फिर निकलते हैं। अरे गाइज मैं ये बताना तो भूल ही गई हूँ कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो हम जा रहे हैं एक होटल में जा रहे हैं, वहाँ पे मैंने रील देखा था तो उसमें बहुत मतलब ब्रांड्स हैं और सेल भी लगा हुआ है। तो जब मैंने रील देखा तो मैंने सोचा चल यार यही चले जाते हैं, देख लेते हैं, अगर अच्छा हुआ तो मैं आपको लोकेशन टाइमिंग सब कुछ बता दूंगी। वैसे तो वो सुबह 10 बजे या 9 बजे से रात के 9 बजे तक खुलता है, एंड मम्मी को छोटा मोटा सामान भी लेना था। तो अभी चलते हैं होटल, मुझे पता है होटल पर नाम नहीं पता, तो वहीं जाके मैं आपको लोकेशन बताती हूँ। तो गाइज हम पहुंच गए अपने लोकेशन पे जो कि है सरोवर प्रीमियर, और यहाँ देख सकते हो। एंड गाइज ये जो सेल है ये चल रहा है आपका 4 से 6 अक्टूबर तक। तो अभी चलते हैं, क्या क्या है देखते हैं। एक्साइटेड मम्मी बोल रही है तो यही पास है क्योंकि हमारे घर से पास है ना यहाँ। तो ये देखिए बिग सेल, 90% ऑफ है भाई सारे ब्रांड में। तो यहाँ पे एंट्री करना पड़ता है, हमने एंट्री भी कर दिया है। और यहाँ देखो कितनी भीड़ है, एंकर। चलो मम्मी देखने जाओ, यही देखने आए हो। एंड यहाँ पे हर चीज मिल रहा है, होम डेकोर से लेकर सब कुछ, मैंने रील में देखा था, अभी यहाँ अपने आँखों से देखेंगे। गाइज ये देखो 100 का एक पीस है ये, और काफी कलर है, डिजाइन है इसमें, पूरा बोहो स्टाइल है। गाइज अभी हम यहाँ पे कुशन देख रहे हैं, बहुत सारा है जो कि 400 का है। अच्छा सनी सॉफ्ट सॉफ्ट। गाइज अपना घर होता है ना तो इतने सारे सामान लेके जाते हैं, होम डेकोर का सामान ही देखने आई हूँ मैं तो, मुझे उसमें बहुत इंटरेस्ट है। वाओ सो सुंदर। यहाँ पे देख सकते हो 2000 में आपको सोफा कुशन सेट भी मिल रहे हैं। एंड गाइज यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे सामान थे, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा था देखने में। 1500 में आपको मिल रहा था ये रजाई कस्तो सॉफ्ट छनी। 1500 में गाइज, 1000 में आपको किंग बेड सेट साइज मिल रहा है। वाओ सुंदर सुंदर है यार। गाइज 800 में आपको ये एक पीस मिल रहा है। 800 रुपये में आपको यहाँ पे सिंगल सिंगल पीस ये डिजाइनर, क्या बोलते हैं इसको, स्टूल बोलते हैं या क्या है, वो मिल रहा था, थोड़ा बोहो लुक में था। वर्साचे। तो यहाँ पे आपको बास्केट का सेट मिल रहा था, छोटा बड़ा 3 साइज थे इसमें, 600 रुपीज का था ये। तो गाइज यहाँ पे ओनली के ट्रैक सूट मिल रहे हैं हमें 1500, ये देख सकते हो। तुम ये पकड़ो था इस तरी,
साइज तो बहुत बड़ा नहीं है, साइज नहीं है यहाँ पे बिल्कुल भी। ये असली हो, ये मुझे नहीं पता ये असली है कि नकली है। असली असली हो, ओ बहन का मम्मी बुरी असली है। गाइज मुझे तो बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा। मम्मी मजा आ रहा क्या? लग रहा आपको कैसा है यहाँ? सामान छट गया ना? क्योंकि हम बहुत लेट आए हैं यहाँ पे, ऑलरेडी सब कुछ छट चुका है, कुछ भी नहीं मिल रहा। मतलब अच्छा है पर इतना भी अच्छा नहीं है, ठीक ठाक है। खाली होम डेकोर के सामान अच्छे हैं, घर का सामान अच्छा है। तौलिया वौलिया 600 में हमें ये मिल रहा है सोफा का। सोफा के ऊपर लगा सकते हो, कहीं भी लगा सकते हो, 600 ओनली। और यहाँ पे देख सकते हो ट्रे कति क्यूट छे नी। इसका प्राइस है स्मॉल 300, मीडियम 400, बिग 500, 3-piece set 1200। राउंड वाला आपको मिलेगा 400 का है राउंड वाला। फाइनली हमारा पहला परचेज। ये मम्मी को कुशन चाहिए था तो हमें 200 में एक पीस मिल रहा है, तो मम्मी ने 2 ले लिया। काफी सॉफ्ट है, अच्छा है, सही है। गाइस नेक वाला भी मिल जाएगा ओनली फॉर 250 रुपीज। ये सॉफ्ट है, अच्छा 800 को सॉफ्ट भी है। ये मान ली योगा मैट्रिक्स भी है। कितने का है? तो भारी है ये, भयंकर खली है वो खली। 800 ओनली। मम्मी देख रही है बेड सेट जो कि है सिर्फ 300 रुपीज का। ये सिंगल बेड को शायद। गाइस मेरे मतलब की चीजें ये देखो, ओनली फॉर 200। कितने क्यूट टी 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 छोटा खरगोश। ये मम्मी ये देखो कति क्यूट हो। गाइस बैग्स भी है यहाँ पे, सारे ब्रांडेड ही हो ये भी। कितने का ये? 1000। कोई ब्रांड तो मुझे दिख नहीं रहा इसमें। कितने सस्ते आ रही है आंटी बोल रही मिंत्रा में सस्ते या महंगा? हाँ यहाँ पे महंगा है थोड़ा। 1000 का क्या है इसमें आंटी? 1000 वही तो, इसमें ब्रांड तो लिखा नहीं है। गाइस ब्रांडेड बोल रहे हैं, ब्रांड तो मुझे कहीं नहीं दिख रहा। ये रहा MK का ATM कार्ड है आंटी। आप कहाँ से हो? मैं देहरादून यही से, सती बिहार। अच्छा तो ये कुछ अच्छा सा लग रहा है। ये लिख क्या ये अच्छा लग रहा है, इसका थोड़ा ब्रांड भी दिख रहा है। अच्छा क्या है वो? माइकल कोर्स। गाइस ये ट्रैक सूट है जो कि 2000 का है। यहाँ पे अब मुझे नहीं पता सही है, वैसे तो सारे कंपनी वाला ही हो। देखो ये ब्लैक अच्छा लग रहा है, पकड़ो तो डबल एक्स है ले। हाँ अच्छा सा। क्या ये असली है? ये देखो आप अपने गंदे कपड़े डाल सकते हो, सॉक्स जूता कच्चा कुछ भी। 500 बड़ा वाला 600 का ले रहे हो, चलो फिर चलते हैं। तो गाइज मेरी मम्मी को बस घर का ही सामान लेना है, तो अभी इनको ये 2 पसंद आया है, इसमें से कंफ्यूज हो रही है। आप टेंशन में दिखना चाहते हो तो ये ले लो, खुश रहना चाहते हो तो ये ले लो। खुश वाला तो मम्मी हमेशा खुश रहना चाहती है, तो ये लेते लो खुश रहो। चले आगे, तो अभी आगे बढ़ते हैं। गाइज हमें गाड़ी भी मिल गई है बड़ी मुश्किल से। चलो किसी ने छोड़ी होगी, अब हमने उठा लिए गाड़ी। ली लो अगर लेने होता, वैसे बाद में बिस्तर घर वर में भी बिछा सकते। तो मम्मी को अभी ये लेना है, अगर उसमें भी नहीं बिछा सकते ना ये मम्मी, तो ये क्या बोलते जमीन में भी बिछा सकते हो यार, कहीं भी बिछा सकते हो। मम्मी कंफ्यूज हो रही कि सोफे में नहीं हुआ तो ये वो, मैंने बोला कहीं भी बिछा सकते हैं ले लो एक बार में। क्वालिटी अच्छी है, काफी अच्छा है, क्वालिटी सॉफ्ट भी है। गाइस मुझे कुछ मिला है, ये डेनिम का टी शर्ट है छोटू सा, जारा का लिखा हुआ है इसमें। गाइस अभी हाँ हम ये बैग्स देख रहे हैं जो कि है 200 का, मेकअप वगैरह रखने के लिए सही है। मेरे पास तो अच्छा I have already FUK का है, sorry। मम्मी का शकल देखो गाइस, मम्मी बोल रही है इतना छोटा क्यों है। मैंने बोला ये
फॉरेनर लोग ऐसे ही पहनते हैं ना, छोटे छोटे। ये बढ़िया है मम्मी, यही ले लो। तो गाइज अभी हम भैया से पूछ रहे थे कि इतना मतलब कम प्राइस में क्यों है, और मतलब ये चीजें असली है कि नकली है। तो भैया बोल रहे हैं ये ओरिजिनल है, स्टॉक क्लियरेंस होती है। मम्मी आप क्या बोल रहे हैं? डेट ओवर डेट ओवर नहीं है, स्टॉक क्लियरेंस कर रहे हैं। ये सारा बाहर का ही होगा ना, ये सारे बाहर के माल है जो यहाँ इंडिया में आके क्लियर कर रहे हैं कम प्राइस में। और ये कब तक लगेगा? संडे तक है। सुबह कितने बजे? 10 to 9। गाइज यहाँ पे मेकअप का भी सामान है, मैंने देखा ही नहीं। ये देखो कितने सारे। मम्मी से बड़ा तो झोला है 10-10 रुपए में। मम्मी बोरी और लेके जाऊंगी, क्या करोगे घर लेके जाके? गाइज फाइनली शॉपिंग हो गया है और बाहर अंधेरा भी हो गया। तो फाइनली हमने सामान ले लिया, दो बैग। इतनी खुशी मुझे आज तक नहीं हुई गाइज। जो मैंने मतलब एक बैग मम्मी ने खरीद दिया मुझे और एक मैंने खरीदा, तो जो मैंने खरीदा वो 1000 का निकला, जो मम्मी ने खरीदा वो 1500 का निकला। क्या बोलना चाहोगे मम्मी? हंस गई। पर सही है ना। मुझे बैग्स तो बहुत अच्छे अच्छे लगे, मैंने बैग्स ही लिया, बाकी कुछ ही नहीं लिया। एक टी शर्ट लिया, एक लोअर लिया बस। गाइज आप लोग सोचोगे कि हम दोबारा यहाँ क्यों आए। मम्मी को दही बल्ले ही खाने इतने पसंद है। मतलब इनको दही बल्ले कितना खाओगे? एक प्लेट और कितना? इतना पसंद है आपको दही बल्ले? बेटी ने कभी मुंह में डाला ही नहीं आज तक दही बल्ले, माँ बस दही बल्ले ही खाती है। तो अब इतना दूर आया तो खिला ही देते मम्मी को दही बल्ले। फिर आप लोग बोलोगे एक ही चीज दिखाती है, अब क्या करे, खाने का मन है तो खा ही लेंगे। मम्मी का दही बल्ला आ गया है। आज घास फूस नहीं है दही बल्ले में। है अच्छा, अंदर अंदर है। हमेशा की तरह कोल्ड ड्रिंक और समोसे। तो गाइज अभी अमृत के लिए हमने पापड़ चाट पैक किया है और अंकुश उसकी मम्मी के लिए समोसे पैक किया है, क्योंकि आंटी को समोसे खाना है। समोसे भी पैक हो गए। बटरफ्लाई मेरे पैरों में आई है, बटरफ्लाई छोटी सी। अरे अंदर घुस गई, बाहर निकलो बाहर। अरे कहाँ गई? हाय अंकुश, हाउ आर यू? I am fine. अभी अंकुश गिटार बजा रहा था, जैसे मैंने कैमरा खोला है भाग गया। इसमें क्यों नहीं बतानी? सीक्रेट ब्रो, दिस इज नॉट सीक्रेट। ठीक है, ये ब्लॉग में डलेगा। खाली बंद नहीं, नो। देखो गाइस जैसे बच्चे सामान लेकर आते झोला देखते भी झोला ढूंढ रहा क्या क्या लेकर आए। तो अंकुश बोल, क्या हुआ? बोल ना, क्या बोल रहा था? कैमरा खुला तो बोले। गाइस इसको ये मेरा क्यूट लग रहा है। तनु को अच्छा नहीं लग रहा? अच्छा है। तनु बोल रही दीदी आज आप बहुत चेंज लग रहे हो। कान के पहने कभी कभी लड़की बनने का बड़ा शौक चढ़ जाता है ना, मतलब हूँ मैं लड़की, मतलब मैं लड़की हूँ बट लड़की जैसा टैग निकलना। तो गाइस ये है ना हमारी तन्नु, इसको क्या पंजाबी से प्यार हो गया। मतलब ये जब से मैं आई ना तब से ये पंजाबी गाने ही सुन रही है। कुछ आया तुझे पंजाबी में? आ गया। इसके साथ साथ हम भी सीख रहे बैठ के पंजाबी। तू भी सीख, नेपाली तो सीखी थी अपने, वहाँ वो भाषा सीखूंगी। तो गाइज अभी हम घर पहुंच गए हैं एंड घर आते ही मम्मी ने बनाया है बहुत, मतलब मम्मी बना रही है बहुत स्पेशल खाना। आज बन रहा है घर में पनीर। हालांकि मैं पनीर इतना खाती नहीं हूँ बट जब से मैंने स्टार्ट किया है थोड़ा थोड़ा पनीर खाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने मम्मी को बोला कि आज पनीर बनाओ, तो पनीर और रोटी खाऊंगी आज मैं। अरे ये छोटा बच्चा कौन है? ये छोटा बच्चा देखो गाइस, ये बैग में घुस के बैठा है। और ये देखो इसका चांस नहीं आया तो ये इसको देख रहा है। तुमको मजा आ रहा है यहाँ पे? कितना प्यारा लग रहा है मेरे पम 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 पम। तो गाइस मेरा खाना भी रेडी हो चुका है, ये देखो कितना टेस्टी लग रहा है। टेस्टी पनीर की सब्जी, थोड़े से आलू भुजिया और रोटी। मैं आपको टेस्टिंग करके बता देती हूँ कैसा है। ऑब्वियसली अच्छा ही बनाया मेरी प्यारी मम्मा ने जो बनाया है।
बस मम्मी थोड़ा सा नमक का कमी है, बाकी टेस्टी है। तो गाइस खाना भी मैंने खा लिया है एंड आज का दिन बहुत ही अच्छा था। जहाँ पे मैं गई थी वहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगा, तो आप लोग भी जा सकते हो। लोकेशन मैंने दे दिया है, तो मैं पिन भी कर दूंगी लोकेशन, तो जाना जरूर। और काफी मतलब ब्रांडेड चीजें ही थी, अच्छी अच्छी चीजें थी, क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छा है वहाँ का चीज। बाकी अगर हॉल वीडियो चाहिए तो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आपको हॉल वीडियो दूंगी। तो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय, चिक्के गुड नाइट, लव यू, बाय।